अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर मिस कमलनाथ। हमने प्रीवियस जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। आज बच्चों हमारा यूनिट था लर्निंग ट्रिविया साइंटिस्ट। देन टुडे वी हैव टू स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय साइंटिस्ट। मैंने आपसे कहा था आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय आवर साइंटिस्ट। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। यू हैव टू सीन इन अ पेपर माइक्रोस्कोप। वी यूज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। ये आपकी माइक्रोस्कोप है बच्चों। दिस इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज इन अ लेबोरेटरी। What we do with it? It helps us see very small objects such as cell. It helps us see very small objects such as a cell. आप समझ आ रही है बच्चों? ऐसे टाइनी पार्टिकल जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। This is your microscope. इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों। वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो कि नेकेड आई से खुली आंख से नजर नहीं आते क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बच्चों को दिखाता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज बैलेंस। दिस इज बैलेंस। बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी। वैसे भी बच्चों आपको पता है उर्दू में इसको तराजू कहते हैं। किस तरह यूज किया जाता है ये? मास ऑफ बॉडी मालूम करने के लिए। मास इज मेजर इन ग्राम। आपको पता है अगर हमें मास को मेजर करना हो तो हम बच्चों किस में करते हैं? ग्राम्स में। और 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग सिलेंडर। ये देखिए बच्चों आपका ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। आपके पास बच्चों नीचे डायग्राम में डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर दिए गए हैं। ऑल दीज आर मेजरिंग सिलेंडर। बच्चों आप देख सकते हैं कोनिकल फ्लास्क है आपकी, ये ड्रॉपर है आपका, ये सारे आपके मेजरिंग सिलेंडर हैं, पर डिफरेंट फॉर्म में ब्यूरेट। ये बात समझ आ रही है बच्चों आपके पास? ये सारे जो हैं आपके पास मेजरिंग सिलेंडर हैं, बट इन अ डिफरेंट शेप। ओके बच्चों, 1 लीटर जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर में हम मेजर करते हैं 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। फिर है स्टॉपवॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है बच्चों? आ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर। ये रही आपकी स्टॉप वॉच। आप पेज को पूरा देखिएगा बच्चों, पेज नंबर 3 यूनिट है आपका लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। आ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. ये बात बच्चों आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई गई है कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 minute में कितने सेकेंड होते हैं? 60 seconds होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आएगा? आपके पास है मीटर रोल। आ मेजर रोल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज बाय द साइंटिस्ट इन अ लेबोरेटरी। तो आप यहाँ आ जाए, दिस इज योर वर्नियर कैलिपर। सेकेंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज
स्क्रू गेज। ओके बच्चों, थर्मामीटर तो सभी बच्चों को मालूम है कि क्या होता है बच्चों ये। अ थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, इट टेल हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये आपका थर्मामीटर है बच्चों। द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। छोटी सी आपको गोल सी राउंड की सी के ऊपर एक डिग्री डिग्री पढ़ते हैं बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, डिग्री डिग्री फारेनहाइट। ये देखें आपको दिखा रही हूँ, ये छोटा सा जीरो बना हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड को जाहिर करता है और ये फारेनहाइट ही है। ये आपका टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है, अमेजिंग साइंस का आपका पहला यूनिट था लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।